अरे पापा कहाँ जा रहे हो आप? बेटा मैं अपने भाई के घर जा रहा हूँ। मेरे पीछे तेरी और बहू के बीच में बहुत किलकिल होती बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तेरा बाप हूँ, मैंने मेरी जिंदगी में जो कुछ भी करा ना बेटा, बस तुझे कुछ करने के लिए करा। पापा मैं उसको छोड़ दूंगा लेकिन आपको नहीं छोड़ सकता। नहीं नहीं बेटा, मेरे पीछे तू अपना घर मत खराब कर, मुझे जाने दे। और बेटा बहुत पूछ लेना तूने। नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं। अरे यार चाचा के घर में तो ताला लगा है, पापा ने बोले थे मैं उनके घर जा रहा हूँ। भाई ये जिनका घर है ना वो 2 महीने से बाहर। क्या मेरे पापा का घर? ढूंढता हूँ उनको जाके। अरे भैया आपने इनको यहाँ कहीं देखे हो क्या? नहीं भाई। आपने इनको यहीं कहीं देखे हो क्या? नहीं भाई। कहाँ ढूंढू कहाँ ढूंढू? पापा आप यहाँ हो, मैंने आपको काका नहीं ढूंढा, और ये क्या हाल बना के रखा है? बेटा तू बेटा यहाँ पे सब बहुत अच्छे है, मेरे से खाने के पैसे नहीं लेते। और बेटा मेरे पीछे यहाँ पे किसी का झगड़ा भी नहीं होता। नहीं नहीं पापा, आपको मैं हाल में नहीं देख सकता, आप मेरे साथ घर चलो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। भैया 10 किलो गेहूँ कितने के आएंगे? 270 रूपए के। भैया मेरे पास 260 रूपए नहीं आ पाएंगे। अरे तू जब तू इतना गरीब है तो आटे की थैली ले ले, क्यों गेहूँ ले रही है? शेख जी पहले मैं आटे की थैली लेके जाता था, वो पुरता नहीं है, ऐसे गेहूँ ले ले तो पिसा के बहुत दिन चल जाते, इसके लिए मैं ये गेहूँ लेने आया। चल चल ठीक है आ जाएगा, ले रे इसको 10 किलो गेहूँ देते। हाँ सेठ जी ये लो सेठ। अरे शेख जी छोड़ो ना। 1 सेकंड मैं आपको दे रही हूँ। केरे तूने कितने किलो गेहूँ दिया उसको? सेठ जी 8.5 किलो है, उसको कौन सा पता चलेगा, दे दो आप तो। अबे ये तेरे को किसने सिखा दिया? और तू ऐसे लोगों का हक खा रहा जिनका 1-1 रुपया कितनी मेहनत का होता है, तू मेरे पीठ पीछे ये सब गलत काम करता है। रुक जा आज तेको सबक सिखाता हूँ, इनके 10 किलो गेहूँ तोल के दे। ये लो भाई आपके 15 किलो गेहूँ और 5 किलो मेरी तरफ से, और तू निकल जा मेरी दुकान से, तेरे जैसे नौकर की मेरी दुकान पे कोई जगह नहीं है। चल अगर भाइयों मैंने सही किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। अरे भाई इसमें कितना नमक है, आप क्या मुझे मानना चाहते हो, मुझे ब्लैक प्रेशर है। अरे भाई चाय थोड़ी कम मीठी बना, मुझे शुगर है, आप क्या मुझे मानना चाहते हो। तेरे ये कबाड़े के 20 रुपए हो रहे थे। ठीक है भैया दे दो। दे दो भाई दे दो, मैं आपका भी आज टाइम पे दे दूंगा। 10,000 के 15,000 रुपए दे दूंगा भाई, मैं बहुत परेशान हूँ भाई। हाँ चल ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन एक बात सुन ले, 10 के 17 लूंगा, हो मंजूर तो बोल। भाई कितने 17? दे 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 दो भाई दे दो, मैं दे दूंगा। चल ठीक है, ए इसको 17,000 रुपए ला के दे दे। या अल्लाह इस दुनिया में कैसे कैसे लोग है, ब्लड प्रेशर के डर से लोग नमक खाना छोड़ देते और शुगर के डर से लोग मीठा खाना छोड़ देते, लेकिन अल्लाह लोग तेरे डर से हराम खाना नहीं छोड़ते। अगर भाइयों मैंने सही किया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। झोपड़े के पास बकरा बंधा है, तड़का दे क्या? बकरा तो जोरदार है, बॉस खुश हो जाएंगे, 50,000 का काम हो जाएगा अपना। चल चल चल, चल, चल कोई नहीं देख रहा है। देखो बॉस कितना तगड़ा हाथ मार कर हमने आज, बॉस इसको कल सुबह ऑटो में बिठा के बाहर ले जाके बेच दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, कीमत भी अच्छी मिल जाएगी। ए फालतू बातें मत कर, मैं तुम दोनों को समझा दे रहा हूँ, ये बकरा जहाँ से लाए ना वहाँ छोड़ के आ जाना, नहीं तो तुम दोनों को जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। अरे बॉस ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं तुम दोनों को बताता हूँ, जब मैं छोटा था ना पापा, मैं सब दोस्तों के साथ बकरा अपन कब लाएंगे? बेटा तू अभी घर जा, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ करके बकरा लेके आता हूँ, ठीक है? बेटा भरजान देख बकरा अपना। मेरे पापा ने बकरा ला ली, और मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके बकरा लाए थे, और उसी दिन कोई हमारे घर के सामने से चोरी करके हमारा बकरा ले गया, और जब से मैंने जाना है जानवर के घूमने का दर्द क्या होता है। जाओ तुम दोनों से जहाँ से लेकर आओ वहाँ पर बांध कर आओ। ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तुमने देखा खुशबू कैसी लाइन मार रही थी मेरे को कोचिंग में? भाई मैंने भी देखा था, वो तुझे हाथ लगा रही थी। अरे मेरा बेटा। अरे ये तमजीद कहाँ जा रहा है? अरे बेटा तेरी कोचिंग यहाँ पर है? हाँ पापा, तो आप छुप के रहो, खड़े हो जल्दी से। अरे बेटा मैं यहाँ माल डालने आया था, जब मैं वहाँ से निकला तो तू तेरे दोस्तों के साथ में खड़ा था, तो मैंने सोचा मेरे बेटे के सब पैसे वाले दोस्त खड़े तो मेरे बेटे की इज्जत खराब हो जाएगी, इसके लिए मैं छुप गया था। अरे पापा अब ये तमजीद किसको गले लगा रहा है? अरे बेटा छोड़ तेरे सब दोस्तों इधर ही देख रहे, वो क्या सोचेंगे तमजीद का बाप एक मजदूर है। पापा वो मेरे बारे में क्या सोचते, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी असली दौलत हो, मेरे पहले दोस्त आप हो वो नहीं, स्कूल कॉलेज की फीस मेरी आप भरते हो वो नहीं, आप मेरे लिए अच्छा बुरा सोचते हो वो नहीं, आप मेरे लिए जरूरी हो वो नहीं। बेटा अल्लाह तेरे जिस्से औलाद सबको दे। चलो पापा आपको मेरे दोस्तों से मिलवाता हूँ, ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर। अरे यस तो दुकान पर रुक मैं आ रहा हूँ। अरे डोन लोगों की गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है? लगता है मोहल्ले में कुछ कहराने वाला है। चल ठीक है आ। अरे यस मोहल्ले में अपने कहराने वाला डोन लोगों की गाड़ियाँ खड़ी है। हाँ का
अरे बाप रे। अरे एक लाख भाई, एक आइसक्रीम का पैकेट निकाल दो और तीन ठंडे की एक एक लीटर वाली बोतल दे दो। बेटा तमजीत भाई ने जो सामान बोले निकाल के दो। कौन घर पे आ गया तमजीत भाई? हाँ भाई, मेरी बहन को देखने वाले आए और आपको पता है वो लोग बहुत पैसे वाले, अगर ये रिश्ता हो गया ना मेरी बहन बहुत खुश रहेगी। ये लो भाई। अरे भाई रुको, ये गाड़ियों से आपके घर आए क्या? हाँ भाई मेरे वहाँ आए। अरे भाई बहन का रिश्ता इनके घर मत करो, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, इनका बैकग्राउंड बहुत खराब है। अच्छा ऐसा बोल रहा, तुम्हारी मोहल्ले वालों की जल रही है, मेरी बहन अच्छे पैसे वाले को जा रही तो, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत खुश रहेगी। अरे भाई तमजीत रो रहा है। अरे भाई तुम लोग काश उस दिन तुम्हारी बात सुन लेता, मैं बर्बाद होने से बच जाता और मेरी बहन की जिंदगी भी बर्बाद होने से बच जाती। जल्दबाजी में कोई रिश्ते ना करे।